हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है यूरेका प्लस ग्रेड फोर के ईवीएस के बुक, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, आर ग्रीन वर्ल्ड। सो हमें पता है कि हमारे पास आसपास प्लांट्स होते हैं जो हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो हम इनहेल करते हैं। बहुत सारा फूड जो होता है हमें प्लांट से मिलता है, हमें मेडिसिंस, वुड, रबर, परफ्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज़ वेल एज़ एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स का जो घर होता है वो ट्रीज़ होता है। जैसे कि बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती हैं, स्नेक का भी घर होता है, एंड देन उसकी शेडिंग, जो उसकी शेडो होती है उसमें, छाँव में बहुत सारे एनिमल्स बैठते हैं। तो इस तरीके से ट्रीज़ बहुत सारे एनिमल्स का घर भी होता है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये होते क्या हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, हम ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। सो द अर्थ हैज़ प्लेंटी ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो अर्थ के पास बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, क्रूड ऑयल, सैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब क्या हैं, नेचुरल थिंग्स हैं जो कि हमें नेचर से मिली हैं। थिंग्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स। वो चीज़ें जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं वो भी क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, मिल्क, एग्स एंड हनी आर सम सच नेचुरल थिंग्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप देख रहे हो, वुड भी हमें प्लांट से मिलता है, फ्लावर भी हमें प्लांट से मिलता है, फ्रूट भी, सीड भी, मिल्क, एग्स हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ऐसे ही हनी हमें हनी बी से मिलती है। तो दैट मीन्स ये क्या है, आपके सारे नेचुरल थिंग्स है। वी यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो हम बहुत सारे तरीके की नेचुरल थिंग्स यूज़ करते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारे नेचुरल थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, रिवर, लेक, ओशियन, सनलाइट, एयर, ये क्या है, सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं। अब दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, वाटर एंड एयर आर बींग रिन्यूड कंटिन्यूसली बाई रैपिड नेचुरल प्रोसेस। अब आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीव्स को भी शेड करते हैं, येलो हो जाती हैं लीव्स, तो पतझड़ के मौसम में वो लीव्स गिरती हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, उन लीव्स को उठा के एक जगह डंप कर दिया जाता है और उससे क्या बनती है, खाद तैयार होती है। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब नेचुरल प्रोसेस से तो वो सब कुछ हो रहा है ना, उसको मिट्टी में दबा दिया गया तो वो क्या हो गई, खाद तैयार हो रही है। और वो जो खाद होती है वो बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, वाटर और एयर क्या है, ये रिन्यू होते रहते हैं नेचुरल प्रोसेस से, इसीलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। जैसे कि एक मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री में क्या होते हैं, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सीड जब आप उस सीड को उठा के कहीं और आप किसी मिट्टी में बो दोगे तो क्या होगा, एक नया मैंगो का प्लांट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं एक एनिमल की बात करूँ, एक एनिमल किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोई भी एनिमल एक यंग वन को बर्थ ज़रूर करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाता है, राइट। मतलब क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो जो भी चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है सब कुछ ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, कोल, मेटल, ये क्या है, ये हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। जो चीज़ आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी वो आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। और ये जो है, ये सारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। अब अगर हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस देखें, रिन्यूएबल में मैंने आपको बताया था कि एक मैंगो ट्री है, उसके जो सीड हैं अगर हम उसका कहीं और लगाएंगे तो वो प्लांट वहाँ पर
उगना स्टार्ट हो जाएगा, एक प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करूं तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन आपका एक प्लांट 10-20 साल में तैयार हो जाएगा, वो फल देने लगेगा दोबारा से, राइट। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसको हमें बहुत केयर से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो ये एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, जो कि हमारे लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मस्ट बी यूज केयरफुली सो दैट दे लास्ट लॉन्गर, यही मैंने आपको सब बात बताई है अभी। नाउ टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट ऑल्सो भी यूज केयरफुली, ऑल दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूड कंटिन्यूसली बाई नेचुरल प्रोसेस। सो बेसिकली जो नेचुरल प्रोसेस से हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो रेगुलरली रिन्यू होती रहती है। इट डज़ नॉट मीन वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज द वे वी लाइक, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा हम चाहें इनको वैसे यूज़ कर सकते हैं, केयरलेसली यूज़ कर सकते हैं। हमें इनको भी बहुत केयरफुल होकर यूज़ करना है, क्योंकि एक टाइम बाद कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर हम बात करें डंपिंग ऑफ वेस्ट की, तो इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर फील्ड्स का, मोटर व्हीकल्स का क्या कर रहा है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स को पॉल्यूट कर रहा है, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल। ये बात हम जानते हैं कि आज के टाइम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हम प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसको थ्रो आउट कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं लैंड पर, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है, या फिर वो सॉइल पे चला जाता है। आपने बीच वगैरह पे देखा होगा बहुत गंदगी रहती है, आपने गंगा नदी में देखा है, यमुना नदी में देखा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसका अभियान भी चलाया गया था, गंगा नदी का बीच में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, उसके बाद जब उसकी सफाई की गई, फिर उसको फिर से नहाने लायक, उसका गंगा जल लेने लायक बनाया गया। तो हम अपनी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है ना, हम उनको खुद ही गंदा कर रहे हैं। हम वहाँ पर जाते हैं, खाते पीते हैं और वहीं फेंक कर आ जाते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिस्पोज ऑफ नहीं होता है। ये जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं ये ख़त्म नहीं होते हैं और ये अल्टीमेटली हार्म कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को। वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्स, अब हम वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटर इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जिस जो कि वाटर साइकिल के थ्रू क्या होती है, रिन्यू होती रहती है। वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल होती है कि जो हमारा ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जब धूप तेज़ पड़ती है तो उसमें क्या होता है, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वाटर वेपर्स बनते हैं, वो भाप बन के क्या होता है, आसमान में जाते हैं। अब जब बहुत सारी भाप, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो भाप ऊपर जाती है आसमान में, जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल जाते हैं और वो भाप हैवी हो जाता है, तो वो कूल डाउन होके जब हैवी हो जाएगा तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। दैट मीन्स कि वो हैवी हो गया और वो एक बड़ा क्लाउड बन गया। जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो क्या होता है, वाटर के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। बारिश, जब बारिश होती है तो वो वाटर के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल है जो चलती रहती है, ठीक है। सो वाटर साइकिल से क्या होता है, एक तो रेन होती है और एक स्नोफॉल होती है। थिंक ऑफ द मैनी वेज इन विच वाटर हेल्प्स अस, इट क्वेंचेज आर थर्स्ट, हमारी प्यास बुझाता है। वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग, हम कुकिंग में, क्लीनिंग में इसका यूज़ करते हैं, वाटर प्लांट्स को वाटर करने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हर चीज़ के लिए सर्वाइव करने के लिए हर एक को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउएवर सम ऑफ आर एक्शंस पॉल्यूट वाटर, कुछ ऐसे एक्शंस हैं हमारे जो पॉल्यूट करते हैं वाटर को। वाटर पॉल्यूटेड बाई डंपिंग सीवेज, फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स इन टू वाटर बॉडीज़। तो अगर जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर्स, लेक्स वगैरह, उसमें अगर फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो फैक्ट्री से निकलता है, जो ऑयल्स और जो गंदा मटेरियल जो फैक्ट्री से निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, वो अगर डायरेक्टली रिवर में जाके मिक्स हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। और उस रिवर का पानी फिर ना ही वो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन उसके अंदर जो रह रहे एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जब भी कोई वाटर पॉल्यूट होता है या कोई केमिकल्स उसमें डाला जाता है या उसमें ऑयल की एक लेयर आ जाती है, तो क्या होता है, वो अपर पार्ट जो होता है ना,
वाटर का उसको कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, पॉल्यूटेड वाटर हार्म्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम गंदे पानी को हम प्लांट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ग्रोइंग फूड क्रॉप्स के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि फूड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हमें क्या ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हम इस गंदे पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है, पॉल्यूटेड वाटर। तो हम किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, एक तो हमें वाटर बॉडीज़ में कोई भी गारबेज नहीं डालना है। गारबेज से मतलब है कोई भी, जैसे पॉलिथिन्स या फिर आप जितने भी यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसको नहीं डालना है। वाटर रिसोर्सेज में सीवेज वाटर को, जो गंदा पानी है उसको नहीं जाने देना है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, डिटर्जेंट और सोप्स का जो यूज़ है उसको जितना ज़्यादा हो सके रिड्यूस करना चाहिए। आपने देखा होगा धोबी घाट जो होते हैं वो ज़्यादातर नदी के किनारे ही होते हैं, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, नदी में ही उन कपड़ों को धोते हैं सारे धोबी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन का, जो कि वाटर को पॉल्यूट करता है। वेस्ट टू कंजर्व वाटर, हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं। ज़्यादा पानी हमें वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ धोने खड़े हुए पहले हाथ धो लिए फिर उसके बाद साबुन जितनी देर लगाए उतनी देर पानी चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें टैप बंद कर देनी है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी टैप लीक हो रही है तो उसको प्लम्बर को बुलाकर हमें एकदम से उसको सही कराना है। छोटे छोटे डैम्स क्रिएट करने चाहिए छोटे छोटे, ताकि हम जो रेन वाटर है उसको हम कंजर्व कर सकें, उसको उसको बचा के रख सकें, ताकि उसको फिर हम बाद में यूज़ कर सकें। देन एयर, अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अभी हमने इससे पहले वाटर के बारे में पढ़ा, अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एयर भी क्या है, एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। क्लीन एयर सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, अभी रिसेंटली तो नहीं हुआ लेकिन 2 साल से तो छुट्टियां पड़ रही हैं पॉल्यूशन की। इससे पहले कभी भी पॉल्यूशन की छुट्टियां नहीं पड़ी। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चों के लिए हार्मफुल था, तो गवर्नमेंट ने बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए ही मना कर दिया, स्कूल्स बंद करा दिए गए। सिर्फ रीज़न क्या था, एक्सेसिव पॉल्यूशन होना, एयर की क्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर हमारे एयर जो है वो क्लीन नहीं होगी तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी, आपने देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी अब कोविड के बाद सभी को बहुत जल्दी जल्दी नज़ला होता है, जुखाम होता है, राइट, खांसी होती है। तो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से हम कोई भी बीमारी को बहुत जल्दी से पकड़ते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करना है, क्योंकि जब एयर पॉल्यूशन होता है तो एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, लंग्स पे अटैक करती है। पॉल्यूशन जो है आपके लंग्स पे अटैक करता है, क्योंकि वो एयर में है, आप रेगुलरली ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो पॉल्यूटेड एयर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो वो पॉल्यूटेड एयर आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगी, हार्म तो पहुँचाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको बीमार कर देगी, आपको हाई फीवर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। अगर हमारी जो एयर है आसपास जिस में हम रह रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, तो हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान को, हर एक एनिमल को जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने एयर को पॉल्यूटेड नहीं होने देना है। तो स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट एयर, पॉल्यूटेड एयर हैज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड हार्म्स ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने देखा होगा जब भी पॉल्यूशन होता है तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। जो इवन नंबर की गाड़ियाँ होती हैं वो एक दिन चलती हैं, देन नेक्स्ट डे ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो स्मोक हमारे व्हीकल से निकलता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि एयर के साथ मिक्स होकर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, वो कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, साइकिलिंग करनी है, ठीक है। अगर हमें थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे जाना है तो हमें उसके लिए साइकिल का या ऐसे व्हीकल का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि अपनी अलग अलग गाड़ियों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
कोशिश करिए कि जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, चाहे वो आपकी कार हो चाहे वो आपका स्कूटर हो, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है, ताकि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा करना है, ठीक है। इको फ्रेंडली फ्यूल्स को आपको यूज़ करना है, जैसे CNG वगैरह, क्योंकि इसकी कार्स और बसेज होती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, ताकि किसी को हार्म ना पहुँचे। रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लोगों को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में ज़रूर बताना है। नाउ अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल भी क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, ये हमने पढ़ा था, ये हमने आपको बताया था, तो इसलिए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वी नो दैट प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। ये हम जानते हैं कि प्लांट्स को सॉइल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको सॉइल से ही सब कुछ मिलता है। उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, वो उसे सॉइल से ही मिलता है। रूट्स फिक्स द प्लांट्स फॉर्मली इन द सॉइल, क्योंकि हमारी जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ही फिक्स होती हैं, और रूट्स के थ्रू ही सॉइल तक पानी सॉरी रूट्स के थ्रू ही प्लांट को पानी मिलता है। क्योंकि ये क्या करती हैं, रूट्स जो होती हैं वो डीप इनसाइड द सॉइल वो चली जाती हैं, जितनी जहाँ पे उन्हें पानी मिलता है वो उतनी गहराई तक जाती रहती हैं, और फिर वहाँ से वो क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और अदर प्लांट पार्ट्स तक पहुँचाती हैं, ठीक है। सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस इज़ फर्टाइल, जिसमें बहुत अच्छा खाद होता है वो फर्टाइल होती है, मतलब वो उपजाऊ होती है। तो फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, जैसे कि एनिमल डंग या प्लांट वेस्ट को सॉइल में मिक्स करते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है, वो बहुत अच्छी उसमें क्रॉप आप ग्रो कर सकते हो, एक हेल्दी प्लांट ग्रो हो सकता है। तो इस तरीके से मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। मैनी काइंड्स ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते हैं। सो स्मॉल एनिमल्स जैसे कि अर्थ वॉर्म, टर्माइट्स, एंट्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल। तो ये सारे क्या हैं, ये सब आपके सॉइल में रहते हैं, ये सारे एनिमल्स, है ना। सॉइल इज़ यूजफुल इन मैनी अदर वेज। अब सॉइल ना बहुत सारे वेज में बहुत यूजफुल है। इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स, मड हाउसेस। क्ले पॉट्स वर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स मेड बाई ह्यूमन बींग्स। सो क्ले पॉट्स जो है ये पहली बार ह्यूमन बींग्स ने बनाए थे, और बाकी ये पॉट्स बनाने में, घर बनाने में, मड हाउस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सैंड से ग्लास भी बनते हैं, सीमेंट भी मिक्स किया जाता है सैंड के साथ और वाटर के साथ बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अगर हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो हम सॉइल को कैसे कंजर्व रख सकते हैं। फॉर फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड कैन डैमेज बैरन सॉइल। बैरन सॉइल मतलब जो बंजर ज़मीन होती है, बंजर सॉइल होती है, उसको जो बारिश का पानी है और हवा है वो उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इससे बचने के लिए दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई ग्रोइंग प्लांट्स। तो प्लांट्स को ग्रो करना ही उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सॉइल में अगर प्लांट्स ग्रो होंगी तो वो क्या करेंगी, सॉइल जो उसकी रूट्स होंगी प्लांट की वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, जिससे क्या होगा, वो विंड से और फ्लोइंग रेन वाटर से कैरीड अवे नहीं होंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं और डैमेज जो होगा वो नहीं होगा, डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो करके। जितने ज़्यादा हम प्लांट्स ग्रो करेंगे उतने ज़्यादा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल नेशनल ट्रेजर। सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट हैज़ अ रिच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, एक रिच ग्रोथ होती है प्लांट्स की। वहाँ पे प्लांट्स अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, आई मीन आप कोई प्लांट फॉरेस्ट में कोई भी ना जाके प्लांटेशन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे वन महोत्सव मनाया जाता है तो उसमें हर इंसान एक पेड़ लगाता है, लेकिन आपने कभी सुना है कि फॉरेस्ट में किसी ने पेड़ लगाया? नहीं। जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो किसी प्लांट का सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, और जहां पे भी वो पहुंचता है वहीं पे ग्रो करने स्टार्ट कर जाता है। कई बार एनिमल्स के साथ अटैच होकर वो चला जाता है, और कहीं जहां पर वो सीड रुकता है गिरता है तो वहीं पर एक नया प्लांट हो जाता है। इस तरीके से जंगल में बहुत सारे प्लांट्स, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको मिलते हैं।
और ये हम जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स का घर भी होता है, ठीक है। अब उसमें वो लार्ज एनिमल्स भी हो सकते हैं और स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं टाइगर्स, लेपर्स, एलिफेंट्स, डियर, वाइल्ड डॉग्स, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि ट्री फ्रॉग्स, मैनी काइंड ऑफ बर्ड्स एंड वेराइटी ऑफ बटरफ्लाइज। अब हम फॉरेस्ट के यूजेस देख लेते हैं, फॉरेस्ट के यूजेस क्या हैं। बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब डेंस फॉरेस्ट ऑफ प्लांट्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर, दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग डैमेज। जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स, जब बहुत घने जंगल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, क्योंकि तेज़ हवाएं, तेज़ बहाव पानी का सॉइल को उड़ा के नहीं लेके जाता है, जिसकी वजह से सॉइल डैमेज नहीं होती है। फॉरेस्ट की वजह से फ्लड बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि ये क्या करता है, रेन वाटर को ब्लॉक करता है, उसके फोर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ नहीं आती है। आपने देखा होगा जब सुनामी आई थी तो उसके बाद ये अभियान चलाया गया था कि बीच वाले एरिया पे, जहाँ पे बीच है, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं। उसका रीज़न यही था, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी का ब्लॉकेज करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं फॉरेस्ट में। क्लीन एयर होती है, क्योंकि हमें प्लांट से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट जो है मेडिसिंस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में जो कि हम वुड जिनको यूज़ करते हैं, जैसे साल, सीसम, टिम्बर, है ना, ये ऐसे वुड हैं जो बहुत फेमस हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, जो घर बनाने में, फर्नीचर में यूज़ किए जाते हैं। फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं जिस पे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं जो खाने लायक होते हैं, और हनी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको मिलती है। ओरिजिनल हनी या ओरिजिनल फ्रूट कोई भी आज के टाइम में लेना अपने आप में एक बड़ी डील है। तो हमारे फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत साल पहले अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो फॉरेस्ट से कवर था। जैसे जैसे हम लोगों की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमने क्या किया, हमें घरों की भी ज़रूरत हुई, हमें क्रॉप्स ग्रो करने की भी ज़रूरत हुई, रोड्स बनाने की भी ज़रूरत हुई, इंडस्ट्रीज़ लगाने की भी ज़रूरत हुई, ताकि लोगों को काम भी मिल सके और हमें रहने के लिए खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा भी मिल सके। तो इस तरीके से क्या किया गया, बहुत सारे फॉरेस्ट पार्ट को साफ़ किया गया और वहाँ पे घर बनाए गए। अब ट्रीज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेंस फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि लेपर्ड जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में आ गया, वो किसी का डॉग उठा के ले गया बाहर से, या अभी मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी यूट्यूब पे रिसेंटली, वो पुरानी ही थी, कि उन्होंने दो ह्यूमन बींग्स पे अटैक किया था। तो मतलब वो क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके घर को ख़त्म कर रहे हो, तो उनके पास मजबूरी है कि वो अब जो रिहायशी एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, उसमें वो आ रहे हैं। चीता, लायन, टाइगर, ये क्या है, ये आपको इंडिया के हर पार्ट में मिल जाएंगे। पहले चीता जो है वो इंडिया में नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ लायन मिलता था, वो भी गिर फॉरेस्ट में जो कि गुजरात में है। Why only a few tigers live in certain forest regions? No leopards and musk deer too are struggling to survive in the Himalayan region. अब ये यहाँ पे बताया गया है कि स्नो लेपर्ड और मस्क डियर जो है ये भी हिमालयन रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं किसी तरह, अब ये स्ट्रगल हो रहा है। फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इफ टाइमली स्टेप्स आर नॉट टेकन द रिमेनिंग फॉरेस्ट रीजन्स विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाई ह्यूमन एक्शंस। अब क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, आपको पता होना चाहिए जो हमारा इकोसिस्टम है वो इस तरीके से बैलेंस्ड है कि छोटे एनिमल को बड़ा एनिमल खाता है। अगर आपने आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप ये साइकिल पढ़ोगे इकोसिस्टम वाली, जिसमें एक रैट को एक सांप खा रहा है, फिर उसको, या फिर एक रैबिट को सांप ने एक रैबिट को खाया, फिर सांप को एक नेवले ने एक सांप को खाया। तो इस तरीके से क्या है, एक साइकिल चलती है, ठीक है। अगर ये साइकिल ख़त्म हो गई तो इकोसिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि किसी एक चीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, अगर वो ना खाएं तो आप खुद सोचो प्लांट्स कितने सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गए
तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, एनिमल्स जो हैं वो होमलेस हो जाएंगे और जो लैंड जो है वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। वो प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट इन इंडिया कौन करता है प्रोटेक्ट? जो गवर्नमेंट होती है वो करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बना के, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को। मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नो बडी इज अलाउड टू ट्रैप और किल एनिमल्स। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तो कोई भी किसी भी एनिमल को किल नहीं कर सकता है या पकड़ नहीं सकता है या किसी प्लांट को कट नहीं कर सकता है। बर्ड सेंचुरीज में बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और उनकी वैरायटी जो है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। मरीन सेंचुरी प्रोटेक्ट्स रेयर मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो मरीन सेंचुरी भी होती है, जो पानी के अंदर होती है, जो बहुत रेयर एनिमल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम, ये मैप गिविन है जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज, टाइगर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर गिविन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसका एक बार माइंड मैप हम चेक कर लेते हैं। तो ग्रीन वर्ल्ड में हमने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल, कोल, मेटल, जो कि प्रोड्यूस प्लास्टिक, ग्लास, केमिकल्स, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीज, फॉरेस्ट एनिमल्स, जो हमें कपड़ा, खाना पीने को सब चीज़ें देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप जलाओगे कपड़े को तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक पॉलीथीन को जलाओगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ख़त्म नहीं होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने तीन तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े, वाटर, एयर और सॉइल। तो उनके प्रिवेंटिव पॉल्यूशन के हम पे कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं उसके पॉल्यूशन को, और कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।